माँ जो है वो बेटे में और बेटे में फर्क पैदा करती है उनको ये लगता है कि जैसे हमारी जब बेटा होगा तो वो ले, दहेज लेके आएगा हमारे बराबर में हरियाणा प्रदेश है उसमें आज साढ़े सात सौ बेटियों पे सॉ साढ़े सात सौ बेटों पे से एक हजार लड़के हैं अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ढाई सौ जो लड़के बचे आपके उनके लिए बहू कहाँ से लाएंगे सब लोग चाहते हैं कुछ बेटी के लिए करें लेकिन बेटियों को बचाने के लिए हमारी माँ को हमारी बहनों को हमारी जो बेटियों की सास हैं जो बेटियों की जो बहू हैं जो नर्स हैं जो लेडी डॉक्टर्स हैं इन सबको अपना एक सामने आना पड़ेगा इनको एक मुहिम चलानी पड़ेगी क्योंकि बेटी को कत्ल कोख में कत्ल करने में लेडीज़ का ही हाथ है सिंपल आज के इस आधुनिक युग में भी अनेकों बेटियों को जन्म लेने से पूर्व ही कोख में मार दिया जाता है बेटियों को बचाने के लिए सरकार भी न जाने कितने अभियान चला रही है इन्हीं अभियान को पंख लगा रहे अलीगढ़ के डॉक्टर मेराज अली जो अपने अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाली बेटी परिजनों से किसी भी प्रकार की न फीस लेते हैं न डिलीवरी चार्ज साथ ही उपहार सहित दो जोड़ी भी उस नवजात बेटी के लिए उपहार तौर पर देते हैं जिसने डॉक्टर मेराज के अस्पताल में जन्म लिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर सरकार न जाने कितने रुपए खर्च कर रही है और न जाने कितनी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है लेकिन आज के समय में फिर भी कहीं ना कहीं जन्म लेने से पहले ही बेटियों को आज भी गर्भ में मार दिया जाता है बेटियों को बचाने की एक मुहिम में अलीगढ़ के डॉक्टर रात और दिन मेहनत कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में पैदा होने वाली बेटी के परिजनों से डॉक्टर मेराज अली के यहाँ पर ना कोई फीस ली जाती है ना कोई बेड चार्ज लिया जाता है और यहाँ तक के ना कोई डिलीवरी का भी चार्ज लिया जाता है और सबसे बड़ी तारीफ़ की बात यह है कि बेटी को एक जोड़ी दो, दो जोड़ी कपड़े भी डॉक्टर साहब के द्वारा मुफ्त दिए जाते हैं बेटी बचाओ का नारा बुलंद करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेराज अली और सबसे खास बात यह है कि आज धरातल पे ग्राउंड जीरो से आज हम इसकी पड़ताल भी करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल में बेटी का जन्म भी हुआ है बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में जी नमस्कार थैंक यू वेरी मच मैं डॉक्टर महराज अली डायरेक्टर महराज हॉस्पिटल बड़ौरा बाईपास अलीगढ़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे जैसे आपने अभी फरमाया कि सब लोग चाहते हैं कुछ बेटी के लिए करें लेकिन बेटियों को बचाने के लिए हमारी माँ को हमारी बहनों को हमारी जो बेटियों की सास हैं जो बेटियों की जो बहू हैं जो नर्स हैं जो लेडी डॉक्टर्स हैं इन सबको अपना एक सामने आना पड़ेगा इनको एक मुहिम चलानी पड़ेगी क्योंकि बेटी को कत्ल कोख में कतल करने में लेडीज़ का ही हाथ है सिंपल मतलब उसमें मर्दों का तो बहुत पीछे नंबर आता है लेकिन हमारी जब बेटियां हमारी जो बहने हमारी सास हमारी माएँ हमारी नंदे हमारे जो रिश्तेदार जो लेड फीमेल हैं जो लेडी डॉक्टर्स हैं इनको सबको पहल करनी होगी तभी बेटी बच पाएगी मर्द के बचाने से डॉक्टर के बचाने से इतना नहीं हो पाएगा सर उसका जब तक कि हमारी माएँ सामने ना आए निकल के कि हमारी बेटी हो, वो कैसे बचा जाए माँ माँ जो है वो बेटे में और बेटे में फ़र्क पैदा करती है उनको ये लगता है कि जैसे हमारी जब बेटा होगा तो वो ले दहेज लेके आएगा बहू ले कर आएगा लेकिन अब ऐसा बिल्कुल उल्टा कर दिया लोगों ने क्योंकि ये कुदरत का प्रकृति का नियम है कि आप उसके विपरीत चलेंगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान है हमारे बराबर में हरियाणा प्रदेश हैं उसमें आज साढ़े सात सौ बेटियों पे सॉ नहीं साढ़े सात सौ बेटों पे से एक हज़ार लड़के हैं अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ढाई सौ लोग जो लड़के बचे आपके उनके लिए बहू कहाँ से लाएंगे तो जब आपके पास बहू नहीं बचोगी तो आप जो नहीं होगी तो कहाँ से आपकी नस्ल चलेगी कहाँ से आप पैदा कर पाएंगे कहाँ से आप हिंदुस्तान को पूरी जनता को पूरी कायनात को कैसे चलाएंगे तो मसला कहने का सिर्फ मेरा यह है कि दहेज की लानत की वजह से हमारे जो लोग हैं जो हमारा जो समाज है सिर्फ दहेज के कारण ये कत्लेआम कोख में जो कत्ल हो रहा है उसका कारण सिर्फ पीछे उसके दहेज है और सब हमारी बहन बेटियों को समझ में आ, आना चाहिए और उनको निकल के बाहर आना पड़ेगा और दहेज की लानत को बिल्कुल उसे हटाना पड़ेगा दहेज से छुटकारा पाना पड़ेगा तभी जा के हम बेटी को बचा सकते हैं हमारे यहाँ अभी करीब करीब हर महीने दो चार डिलीवरी होते हैं जो बेटी होती और हम उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी ज़्यादा हो जाए हमारा खुद स्टाफ भी इतना कोऑपरेटिव है कि बेटी पैदा होने के बाद वो मिठाइयाँ भी बांटते हैं और दो जोड़ी कपड़े हमारा प्रबंधन की तरफ से बेटी को बतौर उपहार दिया जाता है और हम भी जी।, जी और हम चाहते हैं कि इसको और हम आगे से आगे बढ़ाएँ जी और हमें उसकी ऊपर वाला और उसको प्रेरणा दे और हम लोग को हिम्मत दे हम बेटी बचाओ अभियान में बेटी खूब काम करना चाहते हैं अस्पताल प्रबंधन बेटी पैदा होने के बाद में अस्पताल में मिठाइयाँ भी वितरित करता है तो ये जो प्रेरणा है, डॉक्टर साहब जिस तरह से आप फीस नहीं लेते हैं फ्री में डिलीवरी करते हैं अगर बेटी होती है तो ये प्रेरणा कहाँ से आई देखिए ये प्रेरणा हमारे जो मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं सबसे पहले उन्होंने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से तो मैं हम लोगों की जब प्रैक्टिस शुरू हुई हमने देखा कि हाँ वाकई ये कोख में जो कत्ल बैन बेटियों का किया जा रहा है तो उसकी वजह से मुझे लगा कि हमारा तो समाज और हमारी जो प्रकृति है वो सारी उलट हो जाएगी तो मुझे खातों से मोदी जी की तरफ से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने उस पर ध्यान दिया और मैंने उसको आ कर के इसको बढ़ाने की कोशिश की तो जिस तरह से डॉक्टर साहब आप समाज के लिए एक अपना काम करें एक अहम योगदान आप निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखकर और लोग भी प्रेरणा लेते हैं क्योंकि आप डॉक्टर फील्ड से हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि और लोगों को भी निकल के सामने आना चाहिए? हाँ नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तरह से भी लोग करेंगे मेरे अकेले करने से मैं तो अकेला कहते हैं ना अकेला चना क्या भाड़ पड़ेगा लेकिन मेरी अपनी कोशिश है मैं कर रहा हूँ अकेले लेकिन ये सब जितने भी चिकित्सक हैं ख़ासतौर से हमारी जो महिलाएँ है चिकित्सक हैं उनको सामने आना पड़ेगा जो हमारे अल्ट्रासाउंड करा के जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको सबको ये काम छोड़ना पड़ेगा और इंसानियत के नाते और बहन बेटी के नाते चूँकि सबको जाना है एक दिन दुनिया छोड़ के तो ऊपर वाले यहाँ के भी जाओ इसका हिसाब तो देना पड़ेगा कि आपने कितने कत्ल किए ये भी बहुत बड़ा कत्ल है आप उस बच्चे का कत्ल कर रहे हैं जिसे दुनिया ने दुनिया ने जिस जिसको दुनिया देख ही नहीं पाई अभी तक आप उस मासूम का उस उस कमज़ोर का आप कत्ल कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब जो सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद जो बेटियाँ साढ़े तीन या तीन महीने के बाद निकाली जाती हैं वो सब बंद करना पड़ेगा और सब समाज को हमारे सब साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और मेरी सबसे गुजारिश है सब चिकित्सकों से गुजारिश यह है रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग आएँ और इस काम पर पूरा ज़ोर शोर से अपना नारा लगाएँ और अभियान चलाएँ कि बेटी हमारी बचें और बेटी हमारी पढ़ें एक बेटी जब दुनिया में आती है तो बहुत सारे सपने लेके आती है बहुत सारी उम्मीदें लेके आती है और वो सोचती है कि कुछ कर दिखाए अपने समाज में अपने देश के लिए अपने माता पिता के लिए लेकिन इस समाज के भीड़िए उन सपनों को पैदा होने से पहले ही खसूट लेते हैं घर में ही मार देते हैं आज इस अस्पताल में एक बेटी का जन्म हुआ है और आइए हम आपको लेके चलते हैं उस बेटी के परिजनों के पास और उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उन्हें सहयोग दिया गया और नाम क्या है आपका कहाँ से आए आप पटवाई नगर। अच्छा यहाँ उस... अच्छा, हॉस्पिटल में किस लिए आए थे आप तरने तरने। अच्छा तो क्या, क्या आपके बच्ची पैदा हुई है कहाँ पर अच्छा तो यहाँ आज जब आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो मेरा हॉस्पिटल की एक अपनी मुहिम चलती है तो किस तरीके से क्या आपका कोई खर्चा हुआ है कुछ नहीं तो इस संबंध में कुछ हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे बोलो। तो अच्छा अच्छा, आगे। अच्छा आगे। वो भी फ्री किया था